हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रम की गतिशीलता क्या होती है या किसे कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश में मोबिलिटी ऑफ लेबर बोलते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है गति कर जाना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाना, गति कर जाना। सबसे पहले श्रम की गतिशीलता का हम अर्थ यानी मीनिंग समझते हैं, आखिर ये होता क्या है। श्रम उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है, ये आप जानते हैं। बिना श्रम के उत्पत्ति के शेष साधन निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। तो आप जानते हैं उत्पत्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। अगर श्रम नहीं हो तो पूंजी या फिर लैंड यानी ज़मीन का कोई काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए श्रम बहुत महत्वपूर्ण है, यही है, तभी सारे के सारे जो हमारे साधन हैं तभी हैं। श्रम में गतिशीलता का तत्व भी पाया जाता है, यानी गतिशीलता का मतलब हुआ श्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि श्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण किया जा सकता है। अब हम डेफिनेशन की परिभाषा देखते हैं। श्रम की गतिशीलता का अर्थ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान व एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आने जाने की योग्यता एवं तत्परता से लगाया जाता है। तो कोई भी श्रम है, मान लीजिए कोई एक लेबर है, यहाँ एक साइट पे काम कर रहा है, इस साइट पे काम खत्म हो गया तो अपनी आप दूसरे साइट पे इसको ले जा सकते हैं बाइक से या किसी भी साधन से, वहाँ पर छोड़ देंगे तो वहाँ वो काम करने लगेगा। इसी को श्रम की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ लेबर बोलते हैं। इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं जो हमने अभी परिभाषा देखी। सबसे पहले श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना, तो एक साइट पे काम चल रहा था, वहाँ काम खत्म हो गया तो आप अपने दूसरे साइट पर लेबर को ले जा सकते हैं, तो इसी को मोबिलिटी ऑफ लेबर बोलते हैं, वो वहां काम करने लगेगा। दूसरा है एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आना जाना। मान लीजिए आप पहले अध्यापक थे, अब आप वकालत करना चाहते हैं, तो अध्यापक जो काम है, अध्यापन का कार्य छोड़कर वकालत में आ जाएंगे, तो ये भी आपका मोबिलिटी ऑफ लेबर होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आ जाना। तीसरा है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में सुगमता से आने जाने की योग्यता एवं तत्परता। तो पहले मान लीजिए आप छोटे अधिकारी थे, उसके बाद आपका प्रमोशन हुआ, तो जो छोटा अधिकारी थे वो वर्ग आपका छोटा था, उसके बाद प्रमोशन होकर आप और बड़े बन गए, ठीक है। तो इसको भी मोबिलिटी ऑफ लेबर बोला जाएगा, क्योंकि एक वर्ग से आप दूसरे वर्ग में चले गए, ठीक है, आपका काम और भी अच्छा हो गया। अब देखते हैं श्रम की गतिशीलता के कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो तीन मेनली मेजर फॉर्म्स होते हैं मोबिलिटी ऑफ लेबर के। पहला श्रम की भौगोलिक गतिशीलता यानी जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। दूसरा है श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर। और जो तीसरा प्रकार होता है वो श्रम की वर्गीय गतिशीलता होता है, ग्रेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। हर टॉपिक पर एक एक करके अगली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे इस पर।